वीडियो में हम आपको अलग नॉलेज के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। ये दुनिया नॉलेज से भरी हुई है और ऐसी ऐसी जानकारियां हैं जो शायद आपने पहले कभी सुनी या देखी होगी। इस वीडियो को देखकर आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से मुंह के अंदर इस घंटी को क्या कहते हैं। चलिए जानते हैं, मुंह के अंदर इस घंटी को यूव्यूला कहते हैं। यह हमारे शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की दांत और जीभ। यह हमारे शरीर में चार तरह के काम करती है। पहला स्लाइवा बनाती है, दूसरा जब हम खाना खाते हैं तो खाना श्वास नली में न जाए उसे रोकती है। तीसरा काम यह है कि ये बोलने में मदद करती है और गले को सूखने नहीं देती है। और चौथा काम ये खर्राटी के लिए भी जिम्मेदार होती है। क्या आपने कभी नींद में खर्राटे लिए हैं? कमेंट में बताओ। अक्सर आप सबने ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर एक्स का निशान देखा होगा, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि ये एक्स क्या है। ये एक्स का मतलब क्या होता है? जब स्टेशन से ट्रेन गुजरती है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को देखकर यह सुनिश्चित करता है कि आखिरी डिब्बे पर एक्स लिखा है या नहीं। अगर किसी ट्रेन में एक्स लिखा नहीं होता तो वह तुरंत ही रेलवे डिपार्टमेंट को सूचित कर देता है। ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक्स नहीं होने का मतलब यह है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे रास्ते पर ही रह गए हैं, यानी कि दो डिब्बों के बीच का लिंक टूट गया है और उसी पटरी पर आने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है। बिस्किट्स में ये छेद क्यों होते हैं? नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने भी बहुत सारे बिस्किट्स में यह छेद तो देखे ही होंगे। कई लोगों को तो यह केवल डिजाइन ही लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक उद्देश्य होता है। दरअसल बिस्किट में यह छेद जानबूझकर किए जाते हैं ताकि बिस्किट को जब पकाया जाए तो वह अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक सके और क्रंचीपन बिस्किट में आ सके, जिससे कि उसे खाने में और ज्यादा मजा आता है। इसीलिए बिस्किट में यह छेद किए जाते हैं। पीएम मोदी जी के बॉडीगार्ड ये ब्रीफकेस क्यों रखते हैं? नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने टीवी में पीएम मोदी जी के बॉडीगार्ड के पास ब्लैक कलर का सूटकेस तो जरूर देखा होगा। ये कोई आम सूटकेस नहीं होता है। दरअसल ये छोटा सा दिखने वाला ब्रीफकेस किसी भी खतरे के दौरान लगभग हर प्रकार की गोली से पीएम की सुरक्षा कर सकता है। और ये ब्रीफकेस एक ही झटके में इतना बड़ा बन जाता है कि इससे मोदी जी को पूरी तरह कवर किया जा सकता है। इसमें एक पिस्टल भी लगी होती है। जब पीएम को कोई खतरा हो तो बॉडीगार्ड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूटकेस में किसी भी गोली का असर नहीं होता है। अगर आपने गौर किया होगा तो क्रिकेट के कई फॉर्मेट होते हैं, लेकिन सभी में एक ओवर में फेंके जाने वाली गेंदों की संख्या 6 ही होती है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है, या क्या हमेशा से ही ऐसा था? नहीं, हमेशा से ऐसा नहीं था। वर्ष 1889 तक क्रिकेट के एक ओवर में 6 की जगह 4 गेंदें ही फेंकी जाती थी। तब दर्शक मैच को देखकर बोर हो जाते थे, क्योंकि न तो बॉलर को अच्छी लय मिल पाती थी और न ही बैट्समैन को बॉलर को समझने का मौका मिलता था। ऐसे में बहुत बड़ा स्कोर नहीं बन पाता था। इसी को देखते हुए साल 1889 में क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव किए गए। इस बार एक ओवर में गेंदों की संख्या को 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों ने महसूस किया कि इससे भी गेम में उतना मजा नहीं आ रहा है। ऐसे में कई देशों ने अपने यहाँ एक ओवर में 8 गेंद फेंकने का नियम बना दिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में 8 गेंद के ओवर होने लगे।
इंग्लैंड ने भी 2 सालों तक 8 बॉल का ओवर किया, लेकिन ये नियम भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका क्योंकि बॉलर 8 गेंदें फेंकने में थक जाता था। ऐसे में वो बाकी का ओवर नहीं कर पाता था। फिर इंग्लैंड ने सबसे पहले इस नियम को बंद किया और 1 ओवर में 6 गेंदों का चलन शुरू हुआ। बाकी देश भी 1 ओवर में 6 गेंद फेंकने लगे। इसके बाद आईसीसी ने 1978-79 के आसपास 1 ओवर में 6 गेंदों के नियम को स्थायी बना दिया, क्योंकि तब तक सभी देश 1 ओवर में 6 गेंद फेंकने लगे थे। फांसी की सजा सुनाने के बाद जज अपनी कलम क्यों तोड़ देते हैं? जज फांसी की सजा सुनाने के बाद अपने पैन की निब तोड़ देते हैं। दरअसल फांसी की सजा देश में सबसे बड़ी होती है। ऐसे में जिसका अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में आता हो, उसे ही ये सजा सुनाई जाती है। इसलिए ऐसे किसी भी मामले में सजा सुनाने के बाद जज अपने पैन की निब को तोड़ देता है, ताकि इस कलम से फिर किसी को फांसी की सजा ना मिले और ना ही कोई इस तरह का अपराध करे। दोस्तों, आपने भी प्लास्टिक के स्टूल तो जरूर देखे होंगे और स्टूल के ऊपर एक छोटा सा हॉल तो जरूर देखा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस छेद का क्या काम होता है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह छेद सिर्फ कुर्सी को उठाने के लिए होता है तो आप गलत हो। जैसे आपको पता होगा, अक्सर स्टूल को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, और अगर यह हॉल नहीं होगा तो वह स्टूल आपस में एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से चिपक जाएंगे, और फिर इन्हें अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत भी चाहिए होगी। तो दोस्तों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्लास्टिक की कुर्सी के बीच में छेद क्यों होता है। आजकल लगभग हर घर की रसोई में गैस सिलेंडर मौजूद होता है। गैस सिलेंडर ने खाना बनाने के काम को काफी आसान कर दिया है। लेकिन क्या आपने कभी घर की रसोई में मौजूद गैस सिलेंडर पर गौर किया है? अगर हाँ, तो आपने गैस सिलेंडर की सतह पर बने छेद पर भी जरूर ध्यान दिया होगा। क्या आप जानते हैं कि आखिर गैस सिलेंडर पर ये छेद क्यों होते हैं? पहली चीज तो ये कि गैस सिलेंडर पर बने ये छेद सिलेंडर की सतह को गर्मी से बचाते हैं। कई बार गैस सिलेंडर का तापमान काफी बढ़ जाता है, ऐसे में इन छेदों से हवा पास होती है जो तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। वहीं अगर सिलेंडर के नीचे ये छेद नहीं होंगे तो मुमकिन है कि सिलेंडर के नीचे नमी आने से उसमें जंग लग जाएगा। अगर सिलेंडर में जंग लगेगी तो उससे खतरा हो सकता है। इन छेद से हवा पास होती रहती है और सिलेंडर के नीचे नमी नहीं होती, इसलिए सिलेंडर में ये छेद होना जरूरी होता है। दोस्तों, यह वीडियो देखकर आपकी नॉलेज जरूर बढ़ी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो जाते जाते लाइक और शेयर जरूर कर देना।